भारत में आईपीएल की शुरुआत होने ही वाली है। हालांकि अभी बीसीसीआई द्वारा कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते से सीजन की शुरुआत होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में तमाम खिलाड़ी अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से आईपीएल के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें उनके फैंस थाला बुलाते हैं, वो आईपीएल की प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतर आए हैं। बुधवार रात को धोनी चेन्नई पहुंचे, जहां 6 मार्च से प्रैक्टिस सत्र चलने वाला है, लेकिन इस सत्र में जुड़ने से पहले सभी खिलाड़ियों को 5 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके लिए धोनी भी 5 दिन के लिए आइसोलेशन में रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सत्र से जुड़ने वाले सभी खिलाड़ियों को 3 कोरोना निगेटिव रिपोर्ट्स भी देनी होंगी। पिछला आईपीएल सीजन सीएसके के लिए कुछ खास नहीं रहा, वे पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर रहे, लेकिन इस बार टीम मालिकों ने अच्छी खासी रकम खर्च करके टीम में बदलाव किए हैं। सीएसके ने इस बार 9 करोड़ में कृष्णप्पा गौतम और 7 करोड़ में मोइन अली को अपनी टीम में शामिल किया है। पिछले साल 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी आपको केवल आईपीएल ही खेलते हुए दिखेंगे, तो देखना होगा कि इस बार वे सीएसके की कप्तानी करते हुए क्या कमाल दिखाते हैं।